अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बैरियर टाउन कराची। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बारिश शुरू हो चुकी है। सो आई वाज मूविंग टुवर्ड्स बैरियर टाउन कराची हेड ऑफिस। सो आए आपको साथ लेके चलते हैं, थोड़ा सा ये व्यू आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे बारिश लोग किस तरह से इंजॉय करते हैं। काफ़ी सारी आपको व्हीकल्स नज़र आ रही है ऑन द रोड, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं बारिश के दिनों में। और अभी हम भी जा रहे हैं बैरियर टाउन कराची हेड ऑफिस में, और ये जगह आप जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि बैरियर टाउन कराची में जो मिडवे ए और मिडवे बी है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स आपको इसलिए नज़र आ रही है कि ये बैरियर टाउन कराची का बनने वाला पहला कमर्शियल हब है, और इसी कमर्शियल हब के साथ ही बैरियर टाउन कराची का हेड ऑफिस है। और आज की ये बारिश बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, काफ़ी देर से मूसलाधार बारिश हो रही है, और यहाँ पे लोग बारिश के दिनों में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इवन जो कराची और इसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि एक नीट एंड क्लीन यहाँ पे इन्वायरमेंट है। साफ़ सुथरे माहौल के अंदर जब बारिश होती है तो लोग फिर एक बेहतरीन किस्म का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से यहाँ पे पानी ज़्यादा सड़कों पे और दूसरी जगहों पे खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं और स्पेशली मूव करते हैं। बहुत ज़बरदस्ती प्लेसेस है यहाँ पे, जो मरी पॉइंट है स्पेशली उसको मूव करते हैं, लंदन ब्रिज जिसका नाम अभी अली फ्लाई ओवर है, बैरिया के जो अपने डैम्स हैं जहाँ पे बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे स्पेशली जाके उन जगहों को लाजमी विज़िट करते हैं। बैरियर डैम्स के अलावा यहाँ पे जो थीम पार्क इंटरनेशनल है, जो एक एडवेंचर लैंड है, वो भी बेहतरीन जगह है विज़िट करने के लिए। और इसके अलावा जो डेंजू है, डे एंड नाइट जू, वो भी बहुत ज़बरदस्त जगह है विज़िट करने के लिए। स्पेशली जो यहाँ पे अभी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद यहाँ पे बन रही है। और इसके अलावा यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एफल टावर मिलेगा। सो देर इज़ अ नंबर ऑफ लिस्ट, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास जहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस हैं, और सारा बेहतरीन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन यहाँ पे प्लानिंग है, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है। सो इट्स अ बेस्ट सोसाइटी इन पाकिस्तान। और आप देख सकते हैं कि कितने हाई रिस्क कमर्शल यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, लोग यहाँ पे आके बिज़नेस उन्होंने शुरू किया हुआ अपना, और बहुत सारे यहाँ पे काम लोग कर रहे हैं। एक पूरा नया शहर आबाद होने जा रहा है, और उस नए शहर में जब इस तरह के नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में आपको बारिश मिलती है, सो बारिश एक ब्लेसिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उनका दिन रात शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक उनकी नियमतों को और बढ़ा देते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपने परखना हो तो वहाँ पे जाके देखना चाहिए, अगर बैरियर टाउन कराची का नाम आपने सुना हुआ है और आपके पास टाइम कभी हो। इन जगहों को भी आके ज़रूर विज़िट करें, इस बेहतरीन इन्वायरमेंट को ज़रूर इंजॉय करें। और स्पेशली जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इन इन्वायरमेंट को और ये सारी प्लेसेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करते हैं। ये सामने मेरे आप देख सकते हैं बैरियर टाउन कराची का हेड ऑफिस, और इसी हेड ऑफिस के करीब अभी यहाँ पे अभी एक हमारी मीटिंग भी है यहाँ पे। सो आफ्टर मीटिंग हम वापस अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे। बैरियर टाउन कराची में कैलिफोर्निया स्ट्रीट के डिफरेंट ऑफिस हैं, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई बुकिंग करानी हो, 1 बेड 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट्स में, किसी भी शॉप्स में, ऑफिसेज में, सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 साल के आसान एक साथ पर हम देते हैं। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बैरियर टाउन कराची में होने वाली किसी भी अपडेट के बारे में या कैलिफोर्निया स्ट्रीट बिल्डर्स के किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको इसी चैनल के थ्रू टाइम बाई टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो वी बस ये थी अभी तक की अपडेट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।